हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो आज हम मैथ्स क्लास 9th NCERT चैप्टर 3rd कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसका इंट्रोडक्शन वीडियो बना रहे हैं। या इसके बाद हम एक्सरसाइज की वीडियो डालेंगे। तो समझने के लिए ये एक्सरसाइज बहुत वीडियो बहुत समझ अच्छा है। देखिए, तो चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं या नोट्स हैं। क्या लिखा है? टू लोकेट द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन प्लेन, वी रिक्वायर टू परपेंडिकुलर लाइंस, वन ऑफ द इज हॉरिजॉन्टल एंड अनदर इज वर्टिकल। इसका मतलब देखिए, कोई भी प्लेन है, टू डायमेंशन प्लेन है, तो मान लो यही प्लेन है, इसमें हमें कोई भी पॉइंट लोकेट करना है, या तो उसमें दो लाइन चाहिए। तो एक तो होती हॉरिजॉन्टल लाइन, देखिए ये हॉरिजॉन्टल है, पैरेलल टू अर्थ, प्लेन के पैरेलल ये लाइन। दूसरा होता है वर्टिकल, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दे आर टू परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखिए, तो एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन के देखो एक्स एंड एक्स डैश, इसी को एक्स एक्सिस बोलते हैं, एंड वाई डैश, इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं। ये तो पहला पॉइंट यही है कि दो लाइन हमें चाहिए, एक्स एक्स डैश और वाई एक्स एक्स डैश है जो एक्स एक्सिस बोलते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, वर्टिकल इसके परपेंडिकुलर लाइन है। अब आगे पढ़ेंगे, सेकंड पॉइंट है प्लेन इज कॉल्ड कार्टेशियन और कोऑर्डिनेट प्लेन। प्लेन जो होता है ना ये, तो ये इसको हम कार्टेशियन प्लेन और कोऑर्डिनेट प्लेन इसका नाम है। एंड लाइन आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो लाइन है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन है, ये एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश, ये एक्सिस उनको बोलेंगे। और रेक्टेंगुलर एक्सिस, एक्सिस और रेक्टेंगुलर एक्सिस ये है। हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, यहाँ हमने बना रखा एक्स एक्स डैश। एंड वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड द वाई एक्सिस, ये वाई वाई डैश है। द कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड्स प्लेन इंटू फोर पार्ट्स कॉल्ड क्वाड्रेंट्स। तो आप देखिए, इसी फिगर में देखेंगे तो जो प्लेन है इसको ये लाइन फोर पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो दोबारा बना देता हूँ, देखिए ये वर्टिकल लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। देखिए, तो हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस बोलते हैं, एंड वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस, वाई वाई डैश ये। तो ये प्लेन के को फोर पार्ट्स में डिवाइड कर देता। देखो ये एक तो ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इनको क्वाड्रेंट्स बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द बाई एक्सिस इज कॉल्ड इट्स एब्सिसा और एक्स कोऑर्डिनेट। एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज कॉल्ड ऑर्डिनेट और बाई कोऑर्डिनेट। इसका मतलब क्या है समझिए, ये एक्स एक्सिस हमने बना दिया और इसके परपेंडिकुलर है बाई एक्सिस है। एक्स
एक्स डैश बाई वाई डैश। तो यहाँ कहीं किसी भी क्वाड्रेंट में हम अगर पॉइंट लेते हैं, मान लीजिए हमने पॉइंट ये लिया, यहाँ से ये पॉइंट है, ये पी पॉइंट हमने लोकेट किया, तो इसकी जो बाई एक्सिस से डिस्टेंस है, देखिए ये बाई है, बाई एक्सिस पे पर डिस्टेंस मीन्स होता है हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डिस्टेंस मीन्स क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऑलवेज परपेंडिकुलर। जब भी हम डिस्टेंस कहेंगे इसका मतलब है इट इज परपेंडिकुलर। ये देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये बाई एक्सिस से डिस्टेंस और ये एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, नाम जो देना चाहें दे सकते हैं। तो देखो अब बाई एक्सिस से डिस्टेंस है, देखो यहाँ पर बाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है उसे एफ सी सा बोलते हैं। अब ये रेक्टेंगल बन गया, ओ एल पी एम रेक्टेंगल बन गया। मान लीजिए एक्स एक्सिस पर ओ एल डिस्टेंस है एक्स, तो ये भी एक्स हो जाएगा इसका एम पी या पी एम। और बाई एक्सिस डिस्टेंस देखो जी, मान लीजिए ओ एम बाई है तो ये बाई हो जाएगा, तो जो पॉइंट है ये हो जाएगा एक्स बाई। हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट को पहले लिखा जाता है, ये लिखने का तरीका है। तो देखो यहाँ पे देखिए ये पी एम है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है इसलिए एक्स आ गया, और पी एल है पैरेलल टू वाई एक्सिस है इसलिए वाई। तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पॉइंट की है उसे एफ सी सा बोलेंगे, और वाई से बोलते हैं उसे ऑर्डिनेट। देखिए तो यही लिखा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस इज कॉल्ड एफ सी सा एंड और एक्स कोऑर्डिनेट, एफ सी सा या एक्स कोऑर्डिनेट। एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज कॉल्ड ऑर्डिनेट, या इसको क्या बोलते हैं बाई कोऑर्डिनेट। इफ एफ सी सा ऑफ पॉइंट एक्स एंड ऑर्डिनेट बाय देन एक्स बाई कॉल्ड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। एफ सी सा एक्स है और एफ सी सा एक्स है और बाई ऑर्डिनेट है, तो इसको बोलते हैं एक्स वाई को बोलेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, कोऑर्डिनेट एफ सी सा ऑर्डिनेट, और ये पॉइंट का क्या बन जाएगा कोऑर्डिनेट। ये क्या नई चीज़ बन गई, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, ये हो इसका होता है। इसके बाद द एफ सी सा ऑफ एनी पॉइंट ऑन बाई एक्सिस, सिंपल सा फंडा है, बाई एक्सिस एक लाइन है, बाई एक्सिस एक लाइन है, लाइन हमेशा वन डायमेंशन होता है, उसमें केवल एक ही चीज़ होती है, ये बाई एक्सिस है। तो बाई एक्सिस पे क्या हो जाएगा, जो पॉइंट है वो क्या होगा, वहाँ एफ सी सा जीरो होगा, बाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू जीरो और एक्स एक्सिस पे बाई जीरो की वैल्यू। पॉइंट बाई एक्सिस पे जो पॉइंट होगा वहाँ एफ सी सा जीरो होगा, देयर फॉर पॉइंट ऑन बाई एक्सिस, पॉइंट हमेशा एक्स वाई लिखा जाएगा, बाई एक्सिस पे जो पॉइंट है वहाँ एफ सी सा मैंने एक्स जीरो है इसलिए पॉइंट हो जाएगा जीरो बाई। अब इसका उल्टा देखिए, द ऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज जीरो, एक्स एक्सिस पर ऑर्डिनेट मैंने बाई की वैल्यू जीरो होगी, बाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू जीरो होगी और एक्स एक्सिस पर बाई वैल्यू जीरो होगी। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन बाई एक्स एक्सिस हमेशा एक्स जीरो आएगी, क्योंकि एक्स पहले लिखेंगे और बाई की वैल्यू जीरो है। तो ये अपना पॉइंट था, समझने वाला था। देखिए अब एक्स एक्सिस एंड बाई एक्सिस इंटरसेक्ट एट ओरिजन, एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजन, ये वो पॉइंट है, तो ओरिजन है, ओरिजन ऑलवेज इसके कोऑर्डिनेट होते हैं जीरो जीरो, ओरिजन क्या होता है जीरो जीरो होता है। तो इसका ये
कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन हमेशा ध्यान रखेंगे क्या होगा, जीरो जीरो। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट, ये बी है फोर क्वाड्रेंट्स। देखो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ये हो जाएगा एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट बोथ आर पॉजिटिव, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट बोथ आर पॉजिटिव, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स बी प्लस एंड वाई बी प्लस। दूसरा इन सेकेंड क्वाड्रेंट तो सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्चुअल में होता क्या है, ये मैं आपको समझाया पहले देखिए। ये हमने एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस को ड्रॉ किया और इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो ओरिजिन है। अब यहाँ से देखिए ये एक्स एक्सेस है तो राइट में पॉजिटिव होता है 1, 2, 3 पॉजिटिव चलेगा और लेफ्ट में नेगेटिव -1, -2, -3 एंड सो ऑन। वाई एक्सिस अपर पार्ट में प्लस होता है 1, 2, 3 और नीचे नेगेटिव होता है -1, -2 एंड सो ऑन। अब आप देखिए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट होगा तो ये मान लो पॉइंट ये प्लेस पे है, यहाँ पे है, तो ध्यान रखना किसी भी पॉइंट पे पहुँचने के लिए देखो तो ये सबसे पहले हम क्या जाएंगे एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट हैं 1, 2, 3 इधर आएंगे, फिर बाई ऊपर देखो ऊपर बाई की वैल्यू क्या है पॉजिटिव है तो यहाँ पे आ जाएगी, देखिए तो ये पॉइंट हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। देखो एक्स बी प्लस का और बाई बी प्लस का, सेकेंड क्वाड्रेंट है तो एक्स एक्सिस इधर नेगेटिव है और अपर पार्ट में ऊपर की साइड बाई एक्सिस प्लस का है, तो यहाँ जो सेकेंड क्वाड्रेंट है एक्स माइनस है और बाई प्लस है। ये थर्ड क्वाड्रेंट में देखो तो पहले हम किधर आएंगे लेफ्ट में, एक्स लेफ्ट में आएंगे और बाई नीचे की तरफ आएंगे, तो यहाँ एक्स लेफ्ट में माइनस है बाई लोअर पार्ट में नेगेटिव है तो माइनस माइनस हो जाएगा। फोर्थ पार्ट में पहले एक्स क्या जाएगा राइट में जाएगा पॉजिटिव और बाई नीचे की तरफ आएंगे तो आएगा नेगेटिव, तो ये इसका बना हुआ है फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फोर्थ इन सेकंड क्वाड्रेंट एक्स नेगेटिव एंड बाई पॉजिटिव ये आ जाएगा या माइनस प्लस कोई भी पहले तो। इन थर्ड क्वाड्रेंट इधर देखिए थर्ड में एक्स भी नेगेटिव एंड बाई भी नेगेटिव दोनों नेगेटिव है एफ सी साइन ऑर्डिनेट एक्स और माइनस बाई। इन फोर्थ क्वाड्रेंट
इन फोर्थ क्वाड्रेंट फोर्थ में एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, एक्स प्लस का और वाई माइनस का। तो ये छोटे से छोटी छोटी बातें हैं, ये इसका बेसिक है, हमने अभी ये क्लियर किया है। कोई भी पॉइंट है ध्यान रखना, पॉइंट में हमेशा एक्स पहले लिखा जाएगा और वाई बाद में लिखा जाएगा, ये आप को ध्यान रखना है। प्लस माइनस जो भी होगा क्वाड्रेंट पे डिपेंड करेगा, प्लस माइनस का क्वाड्रेंट पे डिपेंड करेगा। देखिए तो ये अपना छोटा सा इंट्रो